प्यारे विद्यार्थियों, लॉकडाउन के बीच एक बार फिर आप सब का स्वागत है। क्लास सैवंथ जिवें कि कल आप डिस्कस किया टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हम चैप्टर टू न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, अज इस टॉपिक नू डिस्कस करते हैं। विद्यार्थियों, जो भी भोजन असी खाने हाँ, उस भोजन नूं खाना ते खाण तों बाद पचाउणा ते उस तों बाद फोकट पदार्थां नूं शरीर तों बाहर कढ़ना, यह सारा प्रोसैस साडे डाइजेसिव सिस्टम दे विच आउंदा है। भोजन नूं खाणा ते उस नूं पचाउणा, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन की है प्यारे विद्यार्थियों? जिहड़ा भी भोजन असीं खाने हाँ, उस दे विच वख वख उस दे पोषक तत् हन, जिवें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन। यह सारे कॉम्पलैक्स फॉर्म च हुंदे हन, जटिल सबस्टांस हैं। इन्हां नूं बॉडी डायरेक्ट नहीं पचा सकती, फिर बॉडी इन्हां नूं सरल सबस्टांस दे विच, सिंपल सबस्टांस दे विच तोड़दी है, फिर उसनूं अब्जॉर्ब करती है। यह हुंदा है डाइजेशन। हुण प्यारे विद्यार्थियों, जिवें कि तुसीं देख रहे हो, वख वख तरह दे जीव वख वख तरीके नाल भोजन नूं ग्रहण करदे आ। जिवें बीज जिहड़ियां हुंदियां हन, उह नैक्टर फुल्लां दा जिहड़ा हुंदा उहनूं सक करदियां। फिश जिहड़ियां हुंदियां उह फिल्टर करके, एक्वेटिक पानी दे विच्चों फिल्टर करके भोजन नूं प्राप्त करदियां हन। स्नेक जानवरां नूं स्वैलो करदा है, निगल जांदा है। उसे तरह मनुख भोजन नूं खांदा है, उसनूं पचाउंदा है ते पोषक तत्व दे प्राप्त करदा है। हुण डाइजेशन इन ह्यूमनस, इस नूं शुरू करदे हां। डाइजेशन दे विच साडा एक पूरा भोजन नूं पचाउण दा तंत्र है, उसदे वख वख पार्ट्स ने, जिवें कि फस्ट पार्ट बकल कैविटी या मूंह, सैकेंड भोजन नली, थर्ड स्टमक या मैदा, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी अंदर, फिर वड्डी अंदर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रैक्टम, फिर लास्ट पार्ट साडा एनस। हुण सब तो पहला बकल कैविटी या मूंह तो शुरू करते हैं। मूंह दे विच प्यारे विद्यार्थियों बेसिकली दो चीज़ां ने, एक है साडी जीभ ते दूसरे है साडे दंद। जो भी भोजन असीं खाणा है, हुण असीं शुरुआत करांगे दंदां तों। जो भी भोजन असीं खाने हाँ, उसनों दंदां दे द्वारा किहड़े किहड़े दंदां दे किहड़े किहड़े भाग हन, किवें की कीता जांदा, उह तुहानूं दसदा डायग्राम दे अकॉर्डिंग। प्यारे विद्यार्थियों, इह साडे मूंह दे विच दो जबाड़े हन, इह इक जबाड़े दे विच दंदां दी व्यवस्था है। बेसिकली चार तरह दे दंद साडे मूंह दे विच हुंदे हन, जिच सब तों पहला है इनसीजर। इह गिणती दे विच कुल चार हुंदे हन, सब तों फ्रंट दे विच चार इनसीजर इक जबाड़े च। उस तों बाद नुकीले दो दंद जिन्हां नूं कहिंदे आ कैनाइनस, उस तों बाद संख्या विच चार प्री मोलर, फिर संख्या विच छे मोलर। मीनस सब तों पहले इनसीजर, सैकेंड कैनाइन, थर्ड प्री मोलर, फोर्थ मोलर। हुण इन्हां दी गिणती दसदा। इनसीजर गिणती दे विच हुंदे हन चार। इन्हां दा काम की है? बाइट करना, कट्टना, भोजन पदार्थ नूं कट्टना। सैकेंड है कैनाइनस, इन्हां दा काम की है? संख्या दे विच दो हन, जो भी भोजन पदार्थ है उसनूं फाड़ना, टीयर करना, वह है कैनाइनस दा काम। थर्ड है प्री मोलर, संख्या विच इन्हां दी गिणती है चार, इन्हां दा काम की है? भोजन नूं क्रश करना, पीसना। ते लास्ट चौथे नंबर दे दंदां दा किस्म है मोलर, संख्या विच इन्हां दी गिणती हुंदी है छे, इन्हां दा काम की है? भोजन पदार्थां नूं क्रश करना अते ग्राइंड करना, पीसना उसनूं, जो भी भोजन असीं खा रहे हां। इस तरह चार जमा दो जमा चार जमा छे, टोटल 16 दंद एक जबाड़े दे विच हुंदे हन, दो जॉज हन अपने, इहदा टोटल 32 दंद हो गए। यह हो गया साडा दंदां दा काम। हुण सैकेंड चीज जिहड़ी बकल कैविटी दे विच है, वह है टंग या जीभ। हुण जीभ दा की काम है? जीभ दा काम है भोजन जो भी असीं साडे मूंह दे विच लिया, उस दे विच लार नूं, जो कि लार ग्रंथियां तों आउंदी है, उहदे विच मिक्स करना, भोजन नूं उलटाउणा पलटाउणा, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀਭ ਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਟੇਸਟ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤਾਈਂ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਟੇਸਟ ਬਡਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਵਾਦ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀਭ ਦਾ, ਉਹ ਸਵੀਟ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਟੇਸਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲਟੀ, ਨਮਕੀਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੱਟਾ ਟੇਸਟ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਹਾਰ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਜੀਭ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿਟਰ ਜਾਂ ਕੌੜਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੇਸਟ ਬਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਟੇਸਟ ਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
दो पोर्शंस मेनली एक है दंद ते एक जी। हुण इस तो बाद अगे चलते हैं मेन साडा डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डायग्राम दे विच तुहानू दिखाया गया डाइजेस्टिव सिस्टम मूंह तो शुरू हुंदा है, उस तो बाद भोजन नली तो भोजन आउंदा है स्टमक या मेदे दे विच, मेदे तो फिर शुरू हुंदी है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंदर जो खुलती है वड्डी आंदर दे विच, वड्डी आंदर दा लास्ट पोर्शन रेक्टम ते जो खुलता है एंड च एनस। हुण एक एक करके इन्हां वख-वख पार्ट्स नूं आपां थोड़ा जिहा दसना तुहानूं। प्यारे विद्यार्थियों जो भोजन मूंह दे विच सीगा उसनूं दंदां ने चबाता पीसता जीभ दे नाल उहदे विच लार मिक्स हो गई, उस तों बाद उह भोजन आऊगा भोजन नली दे विच, इत्थों उस भोजन नूं पुश कीता जांदा है स्टमक दे विच या मेदे दे विच। हुण मेदा की है प्यारे विद्यार्थियों, मेदा एक सैक लाइक थैलेनुमा रचना है जिसकी वॉल बहुत थिक होंदी है। हुण मेदे दे विच HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिहड़ा है वह सिक्रीट किया जाता है, कुछ होर डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट किए जाते हैं, नाल ही म्यूकस सिक्रीट की जाती है। हुण HCl की करता है जो मेदे दे विच भोजन दे विच मिलाया, HCl बेसिकली प्यारे विद्यार्थियों एक तो जो भोजन दे विच बैक्टीरियाज या हानिकारक जीवाणु ने उन्होंने मारदा, नाल ही वह भोजन का जो मीडियम है उसनों एसिडिक कर देता है क्योंकि तेजाबी तेजाब होंदा है, नाल ही जिहड़े डाइजेस्टिव जूस ने मेदे दे वह प्रोटीन नूं सरल सबसटांसिस दे विच सिंपल सबसटांसिस दे विच तोड़दे हन। हुण स्टमक तो भोजन अगे आऊगा स्मॉल इंटेस्टाइन दे विच, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक तो निकलदे ही यू शेप की आकृति लैंदी है, उस तो बाद लगभग 7-7.5 meter लंबी है। हुण आ यू शेप की जिहड़ी आकृति है इत्थे हुण डाइजेस्टिव सिस्टम दे विच कल्ला आही नहीं है, इस दे नाल वख-वख तरह दीआं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी इसे सिस्टम दा हिस्सा हन। हुण सब तो पहला लिवर, जिगर शरीर दी सब तो वड्डी ग्लैंड, रेडिश ब्राउन कलर, ये की करदा है प्यारे विद्यार्थियो, ये निर्माण करदा है बाइल जूस दा, उस बाइल जूस नूं गॉल ब्लैडर दे विच, आ गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर दे विच रखा जाता है जो भी लिवर ने बाइल जूस बनाया, फिर गॉल ब्लैडर तो एक पाइप राही वो छोटी इंटेस्टाइन दे विच आऊगा। हुण दूसरी इत्थे ग्रंथी आ जाती है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज क्रीम कलर की होंदी है, हल्के क्रीम कलर की। हुण पैंक्रियाज दे विचों पैंक्रियाटिक जूस आउंदे है जिहड़े मेनली कार्बोहाइड्रेट ते प्रोटीनस का ब्रेकडाउन करते हैं। हुण इधर भी बाइल जूस आया, इधर भी पैंक्रियाटिक जूस आए, कॉमनली इस डक्ट नाल वह छोटी आंदर दे विच खुल जाते हैं यू शेप की। हुण नैक्सट गल करते हाँ छोटी आंदर की। हुण इत्थे एक होर चीज़ तुहानूं दसदा, बाइल जूस जिहड़ा है जो गॉल ब्लैडर दे विच है, बाइल जूस का बेसिकली काम की है प्यारे विद्यार्थियों, बाइल जूस बेसिकली फैट जिहड़े हुंदे है चर्बी उस दे उपर उसनों ब्रेकडाउन दे विच हैल्प करता है। हुण गल करते हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन की, लगभग 7.5 meter दे अराउंड अबाउट इहदी लेंथ हुंदी है। स्मॉल इंटेस्टाइन दे विच पार्शली डाइजेस्टिड फूड जिहड़ा वह पहुँचता है। हुण इस दे विच डाइजेस्टिव जूस जिहड़े वो भोजन दे उत्ते एक्ट करनगे, भोजन के जिन्हें भी वख-वख भाग ने जिवें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट उन्होंने सिंपल सबसटांस दे विच तोड़िया जाऊगा। हुण इत्थे भोजन का अबजॉर्प्शन मतलब भोजन के जिहड़े महत्वपूर्ण पोषक तत्व है उन्होंने शरीर चूसना शुरू कर दिंदा है, इत्थे की ऐसी चीज़ है। हुण छोटी आंदर दे विच उंगल नुमा स्ट्रक्चर्स होंदियां बहुत सारिया जिन्हों विलाय कहने हैं, इन्हों विलाइज का बेसिकली काम की है वह इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया वधाउंदे हैं ता जो जो भी भोजन के विचों पोषक तत्व है वह वध तो वध बॉडी अबजॉर्ब कर सके। इस तरह छोटी आंदर दे विच चलता हुआ भोजन जिहदे विचों पोषक तत्वों नूं अबजॉर्ब कर रहा शरीर चलते चलते पहुँचता है वड्डी आंदर दे विच, आ है साडी वड्डी आंदर अराउंड अबाउट 1.5 meter लंबी, स्मॉल इंटेस्टाइन तो चौड़ी। हुण लार्ज इंटेस्टाइन या वड्डी आंदर दे विच बेसिकली अणपचया भोजन पहुँचता है जिस दे विचों पानी अते कुछ साल्ट है जिन्हां नूं बॉडी फिर दोबारा
ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਲਾਸਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਰੈਕਟਮ। ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਚਿਆ ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਬੋਡੀ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਸ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਐਨੀਮਲਸ, ਮੇਨਲੀ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸਟੇ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਸੇਫ।